अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग जोड़िया बाज़ार में दोबारा से मौजूद हैं। और जोड़िया बाज़ार में आने की रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये जोड़िया बाज़ार का जादूगर भी एक्सप्लोर करते हैं, तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ठीक है आप? हाँ, मैं जोड़िया बाज़ार के जादूगर नहीं, खोड़ी गार्डन है ये खोड़ी, और मैं तकरीबन यहाँ 20 साल से ये मैजिक कर रहा हूँ। मैजिक करके दिखाते हैं? मैजिक करके दिखाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं सीखने के लिए। ये मैजिक आइटम? ये मैजिक आइटम होते हैं सारे मेरे पास। अच्छा, ये इससे आप मैजिक करके दिखाते हैं? मैजिक करके दिखाते हैं, और सारे शौकीन लोग हैं। अच्छा। वो आते हैं हमारे पास मैजिक सीखने के लिए। सही है, तो उनको सीखते भी हैं, और ये आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। लोग देख के हैरत में आ जाते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, पर ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ये आप एक मिनट में सीख सकते हैं। अब मैं दो चार चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सही है, जो लोग सीखना चाहें तो वो गोल्डन मार्केट खोड़ी गार्डन मशहूर है, आ जाए। नंबर पूछ देंगे आपका। काफी सारे लोग आते हैं यहाँ सीखते हैं। सीखते हैं, तो आप आगे जाके अपना आगे जाके दिखाते हैं, फन दिखाते हैं, फन दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या? अब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये चार कार्ड है मेरे पास। सही है, चार कार्ड है, चारों प्लेन है। प्लेन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने प्लेन कार्ड को बंद करके एक प्लेन निकाल देंगे, निकाल देंगे, और एक कलर वाले लगा देंगे। सही, कलर वाला कलर वाले लगा देंगे। सही है, ये सारे कलर वाले हो जाते हैं। वाह जी वाह। अब आप ये देख रहे हैं कि ये चार कार्ड है, पहले प्लेन थे, अभी कलर वाले हो गए। हो गए, फिर इसको बंद किया, एक कलर वाले निकाल दिया। सही है, फिर एक प्लेन लगाया। जब एक प्लेन लगाते हैं तो ये सारे प्लेन हो जाते हैं। वाह जी वाह, ये सारे प्लेन हो गए। इसकी टेक्निक भी आसान होती है। हाँ, अगले वीडियो में आपको इसकी टेक्निक भी बता देंगे। सही है, ठीक है। अब जैसे ये कार्ड है, अब ये कार्ड निकाल के जेब में रख लिया। सही है, अभी फ्रेम है खाली, बिल्कुल सही है, खाली फ्रेम है, किसी के हाथ में दे दें आप इस तरह खाली फ्रेम। सही है, और रख के आप जादू करेंगे तो ये कार्ड आ जाएगा। वाह जी वाह। अब कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ से मैं इस कार्ड को गायब करूँगा, और गायब करूँगा तो ये कार्ड जेब में आ जाएगा मेरे। वाह जी वाह, ठीक है, इस तरीके हो गए। फिर ये नोटों वाला काफ़ी मशहूर है हमारा। अच्छा, हाँ, नोट आ जाते हैं इसके अंदर? हाँ, नोट आ जाते हैं, ये बार बार फरमाइश करते हैं लोग कि ये दिखाने के। अब अच्छा, ये दिखाते हैं बिल्कुल हम सादा कागज़। सही है, कुछ भी नहीं है, ये सादे पेपर है। सही है, दिखाया सादे पेपर। सही है, ये सादे पेपर आप किसी के हाथ में रख दें। सही है, हाथ में रखने के बाद जब आप ये जादू करके निकालेंगे इसके हाथ से, तो ये नोट बन जाएगा। नोट बन जाएगा, सारे ऐसे नोट है सारे। आप आगे पीछे से भी दिखा सकते हैं, ये नहीं है कि आगे पीछे से नहीं। आप किसी को चेक कराना चाहें तो आप चेक भी करा सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक, इस तरह से फिर काफ़ी सारे जादू करते हैं आप? हाँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 मैजिक है। 400-500 ये दिखाया, दो सिक्के हैं। सिक्के हैं, सिक्के हैं। अभी सिक्कों को हम जादू से जोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये सिक्के जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके हैं, हाँ, ये सिक्के जुड़ चुके हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए जुड़ गए, ये जुड़ जाते हैं। वाह जी वाह, जितनी बार आप चाहेंगे ये जुड़ जाएगा। ठीक, ये देखें, जुड़ गए, जुड़ गए, जुड़े हुए हैं, आप घुमा भी सकते हैं, वो इशू नहीं है। वाह जी वाह, और अगर किसी के हाथ में दे तो उससे नहीं होगा। ये तो हमारा सबसे पहला जादू है, बहुत पुराना। अच्छा, ये दिखाते छोटा है, बंद किया, जब इसको जादू करते बड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ, दोबारा दिखाइएगा एक दफ़ा, थोड़ा जूम आउट हो गया था ये। इसको दिखाते पहले छोटा, छोटा, सही है, बंद किया, जब हम इसमें मैजिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। वाह जी वाह, और आप दिखाओ। अब ये दिखाते, देखिए ये रुमाल है, क्या रुमाल को आपने जेब से निकालना किसी के सामने। सही है, दिखाया खाली रुमाल है, और इस रुमाल को इस तरह मुट्ठी के अंदर डाल दिया। सही, रुमाल किधर गया? रुमाल को कहाँ रखा हमने? मुट्ठी मुट्ठी। जब जादू करते रुमाल गायब होता, रुमाल जेब से आता है। ये दोबारा करके दिखाएं यार, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, ये दोबारा दिखाएं एक दफा। अब ये देखिए, ये रुमाल है, अब इस तरह हमने इस रुमाल को मुट्ठी के अंदर डालना। किधर? हाँ, डालना मुट्ठी में, रुमाल को डालना मुट्ठी में। जब जादू करेंगे तो रुमाल गायब हो जाएगा, रुमाल फिर इस जहाँ से कहेंगे वहाँ से निकलेगा, सामने वाले के जेब से भी निकाल सकते हैं। और ये वाला दिखाया था एक, सही है, ठीक हो गया। एक ये वाला दिखाया था हमने अगले चैनल पर, आपको भी दिखा देते हैं। हाँ, ये डिबिया है, इसको बंद करेंगे इसके अंदर कोई चीज़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल पैक है, पैक है। आपके सामने डिबिया बंद करेंगे और लगाएंगे रबड़। वाजिबा, इस डिबिया को बिल्कुल मुकम्मल आपके सामने हम बंद कर देंगे। सही है, डिबी हो गई बिल्कुल बंद। सही है, सही है, इसमें एक मक्खी भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जा सकता जब तक आप ये ढकना नहीं खोले। ठीक हो गया, मैं इतना बड़ा गेंद डालूंगा इस बंद डिबिया के अंदर, जाएगी कोई जगह है जाने का? नहीं, नहीं जाएगा, नहीं, जादू करेंगे गेंद अंदर होगा इस बंद डिबिया में। वाजिबा, गेंद अंदर हो। इसी तरह एक होता है हमारे पास माचिस, ये माचिस है, ये आम माचिस है, दुनिया में हर जगह मिलती है। सही है, आप कहीं से भी ले लें, आप कहीं पे भी करेंगे। एक सेकेंड,
हाँ चलें कंटिन्यू करें। ये आम माचिस है, हर जगह मिलती है, कहीं से भी ले लें। ये आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से जला देंगे। तीली भी आपका होगा, जगह भी आपका होगा। आप अपनी माचिस लाए, जहाँ रखेंगे ये जल जाएगा। ये तीली है, आप चाहें तो इसको हवा से भी जला सकते हैं, हवा में झटका देंगे तो ये जल जाएगा। ये आम माचिस है। अब जो सीखना चाहते हैं वो आके सीख भी सकते हैं, वो ये नहीं है। शौकीन लोग होते हैं, वो आते हैं, वो सीखते हैं। अच्छा, ये क्या है हथकड़ी? ये पजल होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये निकल गए, ये पजल है। अच्छा, ये किसी और से नहीं निकलेगा, बच्चों का जहन खुलता है। आप ये घर ले जाए, बच्चों को दे दे, दिखाए सर, आप खोलेंगे, ये आपसे नहीं खुलेगा। इस टाइप की ये काफ़ी सारे पजल भी है। अच्छा, ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। जिस तरह इसमें ये देखें, ये दिल है। अच्छा, इसको बाहर निकालना है, निकालना है। अब ये कहीं से भी नहीं निकलेगा। सही है। और आप किसी को दे दे निकालने के लिए तो उनसे नहीं निकलेगा जब तक आप टेक्निक ना बताएं। ये मैं नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकते, आप कोशिश करेंगे आपसे नहीं निकलेगा। अच्छा, ऐसा है, निकाल के दिखाओ आप। ये निकल गया। वाह जी वाह, ये निकल गया। इसी तरीके से आप ये क्या है? ये रुमाल है। ये रुमाल है, ठीक है, आप देखिए इसको। ये है रुमाल। रुमाल आप किसी को भी दिखाएंगे कि ये रुमाल है, इसमें कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सादा। आप मुंह हाथ भी पोछ सकते हैं। सही है, ये देखिए। हाँ, सादा रुमाल है। सही सही है। अब इस रुमाल को इस तरह आपने तय लगा लेना। लगा लिया। रुमाल में कुछ नहीं, आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। रुमाल शादी, ठीक है, शादी। अब हम कहेंगे जादू का रुमाल ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, ये ऊपर आएगा। बोलेंगे नीचे जा, बोलेंगे इसको ऊपर आ, ये ऊपर आएगा। रुमाल में कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी दिखाया, रुमाल बिल्कुल शादी है। इधर से भी, इधर से भी, आप जिधर कहेंगे ये उधर चलेगा रुमाल। आप तो वाकई जादूगर। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। तो इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक जो है आपके पास हैं? हाँ, बहुत सारी है, इनसे बड़ी बड़ी भी टेक्निक है। खुद तो नहीं उड़ के दिखाते वो? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे बड़ी आपको टेक्निक दिखाएंगे। हैं? नेक्स्ट वीडियो में ना। हाँ, तो फिर इसकी कुछ टेक्निक भी आपको बता देंगे किस तरह हुआ, और नई वीडियो भी बना देंगे। आप कहाँ खड़े, थोड़ा समझाएं लोगों को। मैं ये बोल्डन मार्केट खोड़ी गार्डन, कराची का मशहूर बाजार है बोल्डन मार्केट खोड़ी गार्डन। अच्छा, तो यहाँ पे किसी से भी बोल्डन मार्केट में पूछेंगे, मैजिक वाला एक ही है, मैं ही हूँ। आप ही हैं? हाँ, और कोई यहाँ पे नहीं? कोई नहीं, मैजिक वाला कोई जादूगर नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो माशाल्लाह काफी दूर दूर से लोग आते हैं सीखने के लिए। अच्छा, तो सिखाने के क्या चार्जेस लेते हैं? अब 200 रुपए से शुरू है, 200 के, 500 के, 1000 के, 300 के, महंगे नहीं है, 10-20 हज़ार की चीजें नहीं है हमारे पास। चलो चलो, अब ये जितनी चीजें आपने रखी हैं, इससे कोई ना कोई ट्रिक्स हो रही है? सब में ट्रिक्स हो रही है। अब इतने ट्रिक्स तो एक वक्त में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। अभी मैंने 4-5 ट्रिक्स समझाने के लिए, अगर लोगों को पसंद आया तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो बना के डालेंगे। लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स देखे, फिर इससे अच्छी वेरायटी भी हमारे पास है। अच्छा, ये तो शुरुआत थी। हाँ, और बड़े मैजिक है वो भी दिखाएंगे, और अगले वीडियो में इसकी टेक्निक बता देंगे हम कि हमने कैसे किया। ठीक हो गया, बेहतरीन है जी। चलिए, ये है जी। तो ये है थी भाई हमारे, जो आपका नाम क्या है? नाम तो ताज अहमद है। ताज अहमद, ताज भाई अपना नंबर बता दें अगर कोई आप तक रब्ता करना चाहे मैजिशियन के। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलें, ये देखें जी, ये सारी जितनी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई आप लोग देख सकते हैं, ये सब कुछ ना कुछ इसके अंदर मैजिक ट्रिक जो है इससे हो रही है। तो अगर आप लोगों को सीखनी है या यहाँ पे किसी ने आना है तो लाजमी आके विज़िट करें, और इनसे ये मैजिक ट्रिक सीख भी लें, और भाई को मुकम्मल सपोर्ट भी करें, क्योंकि ये अच्छा काफ़ी काम कर रहे हैं। और आम खिलौनों से बेहतर है, बच्चों का जहन खुलता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच भाई। इस वीडियो को मैक्सिमम जो है लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और आके जो है इनके पास विज़िट करें। ठीक है जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।